एवरीवन, आई एम अलीशा चंद्राकर एंड वेलकम टू माय चैनल न्यूज ब्लॉगर। सो आज की न्यूज है उन न्यूज चैनल्स के बारे में जो टोटली फेक है, जो टोटली बिक चुके हैं, और इसके पीछे किसका हाथ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर न्यूज चैनल्स के अंदर और बाहर चल क्या रहा है। सो लेट स्टार्ट। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कैसे गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती है हमारे न्यूज चैनल्स को, और कैसे न्यूज चैनल्स हमें वही दिखाते हैं जो गवर्नमेंट चाहती है। मोदी गवर्नमेंट ने 200 लोगों की एक टीम बनाई है जिनको 3 लेवल में बांटा गया है। इनमें से एक टीम का काम है कंटेंट को मॉनिटर करना, यानी न्यूज चैनल पर क्या दिखाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है और कैसे दिखाया जा रहा है, इस चीज को मॉनिटरिंग करना। दूसरी टीम का काम है इस चीज के, यानी इस न्यूज में जो दिखाया जा रहा है उसके नैरेटिव को शेप देना, यानी न्यूज को पूरी तरीके से बदल देना। और तीसरे लेवल पे, यानी तीसरी टीम का काम है कि इस न्यूज में जो दिखाया जा रहा है उसे रिव्यू करना, जो रिव्यू होने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है, और ये रिपोर्ट INB यानी इंफॉर्मेशन न्यूज ब्रॉडकास्ट को भेज दी जाती है। INB मिनिस्टर इसे PMO ऑफिशियल्स को दे देते हैं। PMO ऑफिशियल्स के फाइनल रिव्यू के बाद इसे न्यूज एडिटर्स को भेजा जाता है और उन्हें बताया जाता है कि क्या उन्हें ब्रॉडकास्ट करना है, कौन सा शो उन्हें नहीं दिखाना है, किस टाइमिंग पे दिखाना है। और मोदी गवर्नमेंट की तो बिल्कुल बुराई नहीं करनी है। न्यूज चैनल्स पर गवर्नमेंट का कंट्रोल इतना बढ़ चुका है कि अगर 10% भी वो गवर्नमेंट की बुराई करते हैं, 90% तो उन्होंने अच्छा दिखाया ही है, लेकिन अगर 10% भी वो कुछ गलत दिखाते हैं तो उसे सेंसर कर दिया जाता है, और फिर BJP का कोई भी स्पोक्स पर्सन उस न्यूज चैनल्स पर जाकर विजिट नहीं करता है। सो टेल मी, ऐसे कितने न्यूज चैनल्स हैं या न्यूज रिपोर्टर्स हैं जिनमें हिम्मत है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की, जिनमें हिम्मत है मोदी जी के स्पीचेस को, जुमले को दिखाने की और उसमें गलतियां निकालने की। मेरी नज़र में ऐसे सिर्फ 3 लोग हैं, एक रविश कुमार जी, एक वाजपेयी जी और एक अभिसर शर्मा। बेसिकली इंडियन न्यूज चैनल्स पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, हम उन पर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। अब इसका एक ही सलूशन बचा है कि हम इंडिपेंडेंट मीडिया यानी ऑनलाइन मीडिया को सपोर्ट करें, यानी कि YouTube चैनल्स या फिर सोशल मीडिया जिसके थ्रू हम तक बिना सेंसर की हुई न्यूज़ पहुंचाई जाती है। ऐसे ही अनसेंसर्ड कंटेंट के लिए बने रहिए मेरे न्यूज़ चैनल के साथ, न्यूज़ ब्लॉगर। थैंक यू।